चेन्नई शहर में राहुल अपनी बीवी मीता के साथ रहता था। मीता की मां की तबीयत खराब होने के कारण राहुल अपनी बीवी मीता को उसके मायके छोड़ देता है। मीता अपने मायके कुछ 15 दिनों के लिए अपनी मां की देखभाल करने जाती है। मीता अपने मायके में अपनी मां की बहुत सेवा और देखभाल करने के बाद जब उसकी मां की तबीयत ठीक हो जाती है तो अपने पति राहुल को फोन करती है। हेलो। हेलो जी, कैसी हो तुम मीता? घर पर सब ठीक है ना? तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? जी घर पर सब ठीक है और माँ की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने इसीलिए आपको फोन किया था। माँ बिल्कुल स्वस्थ है तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर आ जाना चाहिए। मैं यहाँ बहुत दिन रुक गई हूँ। ऐसा करो, आप मुझे यहाँ लेने आ जाओ। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम सब पैकिंग करके तैयार रखना। जी ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। राहुल अगले ही दिन मीता को उसके मायके से लेने चला जाता है। मीता और राहुल घर से बाहर अपने घर जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी मीता की माँ बोल पड़ती है। बेटा राहुल, ध्यान से जाना, रात भी काफी हो गई है और आज वैसे भी अमावस्या है। अमावस्या की रात को भूत प्रेत का साया बहुत ज्यादा होता है। तुम दोनों बिल्कुल ध्यान से जाना, बल्कि मैं तो बोलूंगी तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह जल्दी निकल जाना। अरे नहीं माँ, मैं अब यहाँ बहुत दिन रुक गई हूँ। कोई नहीं, हम आज ही चले जाएंगे ध्यान से। देख लो बेटा, बस कुछ ही घंटों की बात है, रात बहुत ज्यादा हो गई है और तुम्हें जाना भी दूर है। बीच रास्ते में जंगल भी पड़ता है, वो सुनसान जगह बहुत डरावनी है। मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं माता जी, आप ज्यादा परेशान ना हो, हम दोनों सही सलामत घर पहुँच कर आपको फोन करके बता देंगे। राहुल और मीता मीता की माँ की बात नहीं सुनते और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में जंगल में एकदम से राहुल की गाड़ी खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरी गाड़ी को? अभी ही इसे खराब होना था क्या? अंधेरा भी इतना हो गया है। तभी मीता अपनी घड़ी में समय देखती है। घड़ी में 12 बजे होते हैं। क्या हुआ है जी हमारी गाड़ी में? देखो ना कितनी रात हो गई है, यहाँ तो जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। हम किससे मदद की गुहार लगाएंगे? तुम ठीक कह रही हो मीता, मुझे फोन करके यहाँ अब किसी को बुलाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। राहुल अपनी जेब से अपना फोन निकालता है। वो फोन को देखता है और हैरान और परेशान हो जाता है। ओहो, अरे क्या यार, फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? राहुल मीता को बोलता है। अरे मीता, तुम अपने फोन में देखना एक बार, नेटवर्क आ रहे हैं क्या? क्या पता तुम्हारा फोन कॉल लग जाए। मीता भी अपने पर्स से अपना फोन निकालती है। जी मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे। मीता अपने फोन में नेटवर्क देखने के लिए फोन निकालती है, तभी वो एक बहुत अजीब चीज अपने फोन में देखती है। मीता ये देख बहुत बुरी तरह से डर जाती है। मीता के फोन में वॉलपेपर खुद ब खुद बदल जाता है और एक डरावनी चुड़ैल का वॉलपेपर लग जाता है। अरे ये वॉलपेपर किसने लगाया? मैं तो कभी अपना फोन किसी को नहीं देती, ना ही मैं ऐसा वॉलपेपर लगाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। लगता है हमें माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। हम दोनों कहाँ फंस कर खड़े हो गए हैं। ओह, ना ही हम किसी को बुला सकते हैं। अब तो लगता है सुबह तक इंतजार करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कब होगी ये सुबह। मीता ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी राहुल की गाड़ी की लाइट खुद ब खुद जल जाती है। ये देखकर मीता और राहुल बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छी, देखो हमारी गाड़ी खुद ब खुद चालू हो गई है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा कि इससे पहले गाड़ी फिर से खराब हो जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीता, चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल चलें। ये जंगल बहुत डरावना है। मीता और राहुल को ये लगता है कि उनकी परेशानी गाड़ी चलते ही दूर हो गई है, पर वो इस बात से अनजान थे कि उनका आगे रास्ते में एक बहुत बड़ी परेशानी इंतजार कर रही है। कुछ ही दूरी पर चलते हुए रास्ते में मीता और राहुल को एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी दिखाई देती है। वो औरत बहुत जोर जोर से रो रही होती है। वो एक चुड़ैल होती है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, देखो क्या हो गया है, इसको सांस नहीं आ रही है। चुड़ैल बहुत जोर जोर से रो रही होती है। चुड़ैल को रोता देखकर राहुल, अरे देखो मीता, यहाँ रास्ते में ये औरत फंस गई है, इसका बेटा बहुत बीमार है, यहाँ दूर दूर तक इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। जी हाँ आप सही कह रहे हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसका बेटा बहुत बीमार सा लग रहा है।
राहुल चुड़ैल के आगे अपनी गाड़ी रोकता है। कोई बचा लो, कोई बचा लो, मेरा बेटा बहुत बीमार है साहब, मुझे पास के किसी हॉस्पिटल में छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें रास्ते में कोई नजदीकी हॉस्पिटल में छोड़ दूंगी। चुड़ैल मीता की गाड़ी में बैठ जाती है। बीच रास्ते में चुड़ैल का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये बच्चा बहुत बीमार लग रहा है, ये इतनी जोर जोर से रो रहा है, लगता है मुझे गाड़ी और तेज चलानी पड़ेगी। राहुल बच्चे का रोना देखकर गाड़ी तेज चलानी शुरू कर देता है। राहुल की गाड़ी तेज चलने के साथ ही बच्चा रोना बंद कर देता है। ये देखकर मीता बहुत हैरान होती है। जंगल के रास्ते में चुड़ैल मीता से बात करने लगती है। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा बहुत बीमार था, बहुत जोरों से रो रहा था, आपकी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसी चक्कर में आप मेरे तक आने में थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो अभी तक हमने ये जंगल पार ही कर लिया होता। चुड़ैल की ये बात सुनकर राहुल बहुत डर जाता है। आखिर इस औरत को कैसे पता चला कि हमारी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हुई थी, हमने तो इसे उधर नहीं देखा, तो आखिरकार ये कैसे जानती है कि हमारी गाड़ी खराब हुई थी, कहीं मीता की माँ सही तो नहीं कह रही थी। अमावस्या की रात है और यहाँ जंगल में चुड़ैल का साया हो। क्यों, क्या हुआ राहुल, तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता लगा कि तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी? यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि हमारी गाड़ी खराब हुई थी? ये सुनकर चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तुझे पता नहीं है क्या बेवकूफ, आज अमावस्या की रात है और तू इस जंगल के रास्ते से अपनी गाड़ी लाएगा और मुझसे तेरा सामना ना हो, ऐसा मैं कैसे होने दे सकती हूँ? तभी चुड़ैल अपने बच्चे को राहुल और मीता को दिखाती है। चुड़ैल का बेटा दिखने में बहुत ही भयानक था। चुड़ैल के बेटे की दोनों आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसके बेटे के इतने लंबे लंबे बाल थे और नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। सबसे भयानक चीज, चुड़ैल के बेटे के पैर उल्टे थे। राहुल और मीता चुड़ैल और उसके बेटे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अजी माँ सही कह रही थी, हमें माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी, ये चुड़ैल धोखे से हमारी गाड़ी में बैठ गई है, अब हम इससे कैसे छुटकारा पाएं? चुड़ैल और उसका बेटा मीता की बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज की रात तो मुझे कैसे भी करके एक इंसान जिंदा मारना ही होता है, इससे ही मेरी शैतानी शक्तियाँ बढ़ेंगी और आज एक नहीं दो दो इंसानों की मौत होगी मेरे हाथों से, आज तो डबल हो जाएंगी मेरी शक्तियाँ। आज तो इन दोनों मियाँ बीवी की मौत मेरे हाथ एक साथ है। चुड़ैल जैसे ही अपना हाथ मीता की तरफ मारने के लिए उठाती है, तभी मीता बहुत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुड़ैल मीता को हनुमान चालीसा पढ़ता देख बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे पागल, तू ये क्या बोल रही है, तू क्या बोली जा रही है, बंद कर इसे। मीता उसकी एक नहीं सुनती और हनुमान चालीसा पढ़ती रहती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ए पागल औरत, चुप कर, तू क्या बोली जा रही है, तू पागल कहीं की, तू मेरी शक्तियों का नाश कर रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? मीता तुम हनुमान चालीसा पढ़ना मत छोड़ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी इस जंगल से निकलूं और इस चुड़ैल से भी हमारा पीछा छूटे। राहुल की गाड़ी फुल स्पीड में भागी जा रही थी और मीता भी बिना झिझक के एक सांस में हनुमान चालीसा पढ़े जा रही थी। मीता के लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने से चुड़ैल गाड़ी में से भाग जाती है। और कुछ ही देर में मीता और राहुल उस जंगल और चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाकर अपने घर पहुंच जाते हैं।